नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग क्लासी चैनल में। आज मैं आपके लेके आई हूँ प्याज आलू के पराठे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपटी बनके तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो चलो चलते हैं प्याज आलू के पराठे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम डो लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया हम 2 कटोरी डो, इसमें डाला आटा, उसमें डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। जो हम डो लगाएंगे थोड़ा सॉफ्ट लगाएंगे, क्योंकि जो स्टफिंग वाले पराठे बनते हैं उसका डो थोड़ा सॉफ्ट लगता है। तो इसका डो जो हम बनाएंगे सॉफ्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही झटपट ये पराठे बन जाते हैं, सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो ये आलू प्याज के पराठे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे ये पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं एक डो लगा के अच्छा सा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो जो है ना बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट डो नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह सॉफ्ट डो होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लिया है। डो को हम रख देंगे एक साइड में, जैसे ये 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट ले ले, जब तक हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। तो इसको मैं ढक के रख दूंगी साइड में, हाथ से थोड़ा हम इस तरह मसल देंगे ना, तो डो थोड़ा अच्छा लचीला बन के तैयार होगा। तो इसीलिए यहाँ पर डो हो गया मेरा बन के तैयार। इसे मैं अच्छे से ढक के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारी स्टफिंग बन नहीं जाती तब तक के लिए। तो यहाँ पर इसे मैंने डो को रख दिया ढक के साइड में। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने आलू, तो यहाँ पे मेरे 7 से 8 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैं अच्छे से हाथ से फोड़ लेती हूँ। तो गर्म गर्म आलू हैं, फ्रिज के रखे हुए आलू ना लें, मैंने आलू अच्छे से छीला था। गर्म गर्म आलू हैं तो अच्छे इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी, इसलिए मैं हाथ से ही फोड़ लेती हूँ सारे आलुओं को। सारे आलुओं को इस तरह मैं हाथ से फोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। बस इसमें गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गांठें हो जाती हैं तो आलू के पराठे को फटने का डर रहता है इसीलिए। तो हाथ से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सब तरह की सब मसाले। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मसाले इसमें। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी, सारे मसालों को। नमक जो है हम व्रत में सैदा वाला, व्रत वाला जो नमक होता है वही यूज़ करते हैं खाने में, ये अच्छा होता है, इसीलिए आप जो भी यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। ये वाला नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालती हूँ। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है, मसालों को भी। और आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग में बिल्कुल गांठें नहीं है, क्योंकि मैं हाथ से इस तरह फोड़ रही हूँ, इसमें गांठें वगैरह ना बने। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है, और इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया, उस फिर डालूँगी हरी मिर्च, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फिर से मिला लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी ये पराठे अच्छे बन के तैयार होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, चटपटे से। तो आप एक बार, बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करना। तो सारी चीज़ अच्छे से मिला ली है, स्टफिंग भी होगी बन के तैयार। तो चलते हैं पराठा बनाने के लिए। तो आटे को चेक कर लेते हैं, आटा मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लोई तोड़ लेती हूँ, जितनी आप जितना मोटा पतला पराठा बनाना चाहते हो उस तरह से। तो रोटी की जो लोई लेते ना, उस तरह से मैंने एक लोई ले ली है। इस पर आटा वाला सूखा आटा लगा लूँगी मैं, और इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। सूखा आटा लगा के मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ इस तरह से। इसे बेलने के बाद हम इस पर स्टफिंग रख लेंगे, आलू की पित्ती। इसके ऊपर आलू की पित्ती रखेंगे हम, और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे, जैसे हम सारे पराठे जो भरे हुए पराठे बनाते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से उठाते हुए मैं बंद कर लूँगी इसको। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है इन्हें बनाने में। और अब मैं फिर से इसे सूखा आटा डस्ट करूँगी और इसे बेल के तैयार कर लूँगी। तो मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ पराठे को, बहुत ही हल्की आँच से बेलना है। ज़्यादा आप दबाव डाल के बेलोगे तो ये फट जाएगा पराठा, इसीलिए क्योंकि इसमें प्याज है, तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको इस पराठे को बेलना है।
आप देख रहे हो ना जिस तरह से मैं बहुत ही हल्के हाथ से बेल रही हूँ, उसी तरह से आपको भी बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है पराठा। और यहाँ पे पराठा भी अच्छे से बेल के तैयार हो गया है। अब चलेंगे हम इसको सेकने के लिए। तो गैस पर रख दिया है मैंने तवा, ज़्यादा मोटा भी है ज़्यादा पतला बिल्कुल पराठा नहीं है। गैस पर तवा रख दिया, इसके ऊपर डाल देती हूँ पराठे को। इसको दोनों साइड से उलटते पलटते हुए दोनों साइड सेक के हम इसको सेक लेंगे पराठे को। तो मैं इसको पलट देती हूँ और दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो हम लगा देंगे इस पर ऑयल या घी, आप जिससे पराठे बनाते हो वो। मैं यहाँ इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। अब पलट के दूसरी साइड भी मैं ऑयल लगा दूंगी। दोनों साइड से ही हमें ये पराठे को अच्छी तरह सेकना है। पराठे थोड़े क्रिस्पी सिक जाते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने ऑयल लगा दिया है। तो मैं इसे प्रेस करते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी अच्छा सा कलर आने तक। तो इस तरह से प्रेस करते हुए पराठे को दोनों साइड से अच्छे सीकेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आता जा रहा है पराठे पे। तो ऐसे ही हमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पराठे को सीकना है दोनों साइड से। तो प्रेस कर रहे हैं तो इससे हमारे पराठा कच्चा भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीख गया है। तो बस ऐसे ही हमें पराठे को सीकना है। दोनों पराठे को मुझे इसी प्रोसेस से सीकना है सारे पराठे। तो मैं आपको एक और पराठा सीख के दिखा दूंगी। तो इसे निकाल लेते हैं और आपको मैं एक और पराठा सेक के दिखाती हूँ। मैंने उसी तरह से लोई ले ली है, इस तरह से मैं हाथ से कर रही हूँ इसको। आप उस तरह हाथ से बेल के भी स्टफिंग भर सकते हो या हाथ से इस तरह से बढ़ा के भी स्टफिंग भर सकती हो। मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर फिर मैं रख देती हूँ स्टफिंग को। तो मैं रख ली है, उसे बंद कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से बंद कर लेना है। इसे मैंने अच्छे से बंद कर लिया। हम इसे सूखा आटा डस्ट करके हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। जैसे हमने पहले पराठे को बेल रहा था ना हल्के हाथ से, उसी तरह हमें इसको भी बेलना है। हल्के हाथ से बेलना है बहुत। मैंने इस तरह हाथ से बढ़ाया है, फिर मैं इसे बेलन से बेल लूंगी बहुत ही हल्के हाथ से। और ये पराठे ना बहुत ही झटपट बन जाते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। और आपके यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। तो आप इस तरह से बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसे भी मैं बहुत ही हल्के हाथ से बेल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये पराठा भी बिल्कुल मेरा तैयार हो गया है। चलते हैं इसे तवे पर डाल देते हैं और सेक लेते हैं। तवे पर डाल दिया है और अलटते पलटते दोनों साइड से मैं इसे भी अच्छे से सेक लूँगी। पलट देती हूँ, एक साइड से सीख गया है। और मैं अच्छे अच्छे से सेकूंगी भी। इसके ऊपर लगा लेती हूँ मैं ऑयल। इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लेती हूँ दोनों साइड से। दोनों साइड से ऑयल लगा के हम इसे अच्छे से सेकेंगे जैसे पहले मैंने पराठे को सेका है अच्छा सा कलर आने तक। तो इसको भी मैं ऐसे ही सेक लूंगी अच्छा सा कलर आने तक। तो ये पराठा भी अच्छे सेक के तैयार हो गया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं तवे से और इसी तरह से सारे पराठे में सेक के तैयार कर लूंगी और चलते हैं हम सर्व करने। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है आम के अचार और दही के साथ। साथ में लिया है मैंने बटर, बहुत ही टेस्टी बटर के साथ ये पराठे लगते हैं। अगर आपको मेरी प्याज के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।